हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे पतंजलि डॉक्टर्स में। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूखी खांसी को कैसे रोकें, इसके 10 उपाय बताएंगे। और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि सूखी खांसी को कैसे रोकें। तो हमारा पहला उपाय है गुड़। 15 ग्राम गुड़ और 15 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर चाटने से लाभ होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है तरबूज। सूखी खांसी में तरबूज खाना उपयोगी है, इससे सूखी खांसी में फ़ायदा होता है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा आम। पका हुआ आम को गर्म राख में दबाकर भून कर ठंडा होने पर चूसें, इससे सूखी खांसी ठीक हो जाती है। तो चौथा पॉइंट है हमारा खजूर। खजूर सूखी खांसी में लाभदायक होता है, इसे खाने से सूखी खांसी और गीली खांसी भी उतर जाती है। तो पांचवा पॉइंट है हमारा गन्ना। गन्ने का रस पीने से सूखी खांसी में लाभ होता है, छाती की घबराहट जाती रहती है। तो छठा पॉइंट है हमारा काली मिर्च, जो कि बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके 3 उपाय हैं। तो खांसी में काली मिर्च और मिश्री मुंह में रखें, इससे गला भी खुल जाता है। फिर इसी का दूसरा पॉइंट है काली मिर्च और मिश्री संभाग पीस लें, इसमें इतना घी मिलाएं कि गोली बन जाए। इस गोली को मुंह में रखकर चूसें, हर प्रकार की खांसी में लाभ होगा। इसी का तीसरा पॉइंट है 10-10 गोली काली मिर्च पीसकर शहद में मिलाकर सुबह शाम चाट लें और रात को काली मिर्च और दूध गर्म करके पिएं। तो सातवां पॉइंट है हमारा गाजर। गाजर का रस 310 ग्राम और पालक का रस 125 ग्राम पानी में मिलाकर श्वास नली की सूजन में आराम होता है। सूखी खांसी में बादाम मुंह में रखने से गला तर रहता है, खांसी में लाभ होता है। तो आठवां पॉइंट है हमारा छोटी इलायची। खांसी में छोटी इलायची खाने से लाभ होता है, इससे खांसी रुक जाती है। तो नौवां पॉइंट है हमारा अनार। 8 भाग अनार का छिलका, 1 भाग सेंधे नमक में पानी में डालकर गोलियां बना लें। एक एक गोली 3 बार चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। तो दसवां पॉइंट है हमारा शुद्ध घी। देसी घी और गुड़ आग पर गर्म करें, पिघलने पर खिलाएं। छाती पर घी और सेंधा नमक मिलाकर मालिश करें, इससे पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। तो अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।